हाँ तो दोस्तों यहाँ पे टाटा स्टील के क्वार्टर फोर के नंबर्स आ चुके हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जो कंपनी ने स्प्लिट अनाउंस किया है उसके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर हम यहाँ पे स्प्लिट के रेशियो की अगर हम बात करेंगे तो ये रेशियो यहाँ पे 1:10 पे है, यानी कि अभी लगभग 1300 रुपये के लगभग ये स्टॉक ट्रेड हो रहा है। तो उसका अगर आप स्प्लिट करोगे तो स्प्लिट के बाद में 130 रुपीज़ की वहाँ पे प्राइस हो जाएगी, और अगर आपके पास एक शेयर है तो वो स्प्लिट के बाद में 10 शेयर हो जाएंगे। तो ये स्प्लिट का यहाँ पे कंपनी ने अनाउंस किया है। अगर हम यहाँ पे डिविडेंड की बात करेंगे तो 51 रुपीज़ का डिविडेंड यहाँ पे कंपनी ने डिक्लेयर किया है, यानी कि अगर आपके पास 100 शेयर्स हैं तो आपको यहाँ पे 5,100 रुपीज़ का डिविडेंड मिलेगा। तो इन वे अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट यहाँ पे 4% का डिविडेंड यहाँ पे टाटा स्टील का निकल कर आता है। तो देखिए यहाँ पे जो टाटा सन्स है अभी उनका जो एयरलाइंस का उन्होंने वापस यहाँ पे खरीदा है, तो उनकी तरफ से अगर आप देखोगे उन्होंने बाईबैक भी वहाँ पे टाटा जो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है उसका बाईबैक वगैरह भी, तो हर जगह से यहाँ पे ज़्यादा डिविडेंड उनकी तरफ से फोकस किया जा रहा है क्योंकि उनको भी यहाँ पे एयरलाइन के बिजनेस के ऊपर फोकस करना है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो 13% से पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में रेवेन्यू का नंबर यहाँ पे बढ़ा है और ये नंबर आया है 69,323 करोड़ पे। लेकिन देखिए पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में जो नेट प्रॉफिट का नंबर है वो सिर्फ 2% से बढ़ा है और ये नंबर आया है 9,835 करोड़ पे। तो देखा जाए तो यहाँ पे क्वार्टरली बेसिस पे जो कंपनी के मार्जिन है उसके ऊपर हमें इम्पैक्ट पड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अगर आप देखोगे जितना रेवेन्यू बढ़ा है तो नेट प्रॉफिट के मार्जिन यहाँ पे कम हुए हैं, तो वो मार्केट को यहाँ पे नेगेटिव लग सकता है। उसके अलावा अगर हम यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे 38% रेवेन्यू का नंबर वहाँ पे बढ़ा है और जो प्रॉफिटेबिलिटी वाला नंबर है वो भी यहाँ पे 37% से ही बढ़ा है। तो यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस के नंबर ऑलमोस्ट सेम है, वहाँ पे ज़्यादा मार्जिन का फर्क नहीं है, लेकिन जो क्वार्टरली बेसिस पे थोड़े मार्जिन कम हुए हैं तो वो थोड़ा सा मार्केट को नेगेटिव लग सकता है। तो देखिए 1295 पे ये स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है, ऑलमोस्ट अगर हम ऑल टाइम हाई से कंपेयर करेंगे तो 20-21% ये स्टॉक अभी नीचे ट्रेड कर रहा है और पिछले 5 साल में यहाँ पे काफ़ी अच्छे रिटर्न यहाँ पे टाटा स्टील की तरफ से हमें देखने को मिले हैं। यहाँ पे आपने क्या करना चाहिए, तो देखिए मेरे ख्याल से अगर देखा जाए जिस तरीके से कॉमोडिटी मार्केट खास करके जो स्टील के प्राइसेस और जितने भी कॉमोडिटीज अगर उनके जितने प्राइसेस बढ़े हैं डेफिनेटली ये प्राइसेस इतने सस्टेन नहीं कर सकते, क्योंकि तो अगर ये प्राइसेस इतने सस्टेन कर सकते हैं तो वहाँ पे इकोनॉमी में हाइपर इन्फ्लेशन के प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे जो FII और DIIs होंगे वो थोड़ा कॉशियस अप्रोच लेना पसंद करेंगे, और मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि जिस तरीके से यहाँ पे डिविडेंड कंपनी ने अनाउंस किया है, जिस तरीके से यहाँ पे स्प्लिट कंपनी ने अनाउंस किया, तो वहाँ पे जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट हो सकते हैं, क्योंकि ये जो हाई डिविडेंड हो गया, हाई एक तरीके से स्प्लिट हो गया, बोनस हो गया, तो ये हमारे जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं और खास करके टाटा ग्रुप से काफ़ी ज़्यादा इमोशन जुड़े हुए लोगों के। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर्स की होल्डिंग आने वाले टाइम पे बढ़ती हुई नजर आएगी और जो हमारे FII और DIIs जो वो हमें रिटेल इन्वेस्टर्स को अपनी होल्डिंग सेल करते हुए नजर आएंगे। डेफिनेटली मेरे ख्याल से यहाँ पे थोड़ा कॉशियस अप्रोच लेना ही सही रहेगा। जो रैली यहाँ पे होनी चाहिए थी वो हो गई है, अभी वैल्यूएशन वाइज हम यहाँ पे कंपेयर नहीं कर सकते कि 4 या 5 KP रेशियो पे ही ट्रेड कर रहा है, वो चीज़ें अलग है। जब यहाँ पे प्राइसेस अगर इनकी कम हो जाएगी, जो मार्जिन्स होंगे वो जिस तरीके से वहाँ पे कम होंगे वो किसी को भी नहीं पता है। तो उसके लिए अगर आपको समझ में आती है कॉमोडिटी साइकिल तो इन्वेस्ट कीजिए, बाकी मेरे ख्याल से अवॉइड करना ही सही रहेगा। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि टाटा स्टील के जो क्वार्टर फोर के नंबर्स हैं उसके बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूँगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।